आज हम राजनांदगांव में एक किसान नेता श्री सुदेश टीकम जी के साथ खड़े हैं, जो 18 दिन के अनशन के बाद आज शहीद मंदसौर किसान दिवस के दिन आज उनने अपना 18 दिन बाद और महीनों का अनशन तोड़ा है और अगले अनशन की तैयारी पे हैं। सुदेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने आज अनशन तोड़ा, अच्छी बात है, क्योंकि आज़ादी के लिए खत्म होना उद्देश्य नहीं होता, आज़ादी को जीतना होता है। बताइए, आपने जो अनशन किया वो किस विषय में था? देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों का चना छत्तीसगढ़ में वितरण के लिए खरीदा जाए, इस मांग को लेकर के 18 दिनों से आमरण अनशन पे था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार 85 अनुसूचित ब्लॉकों में वितरण के लिए 2012 से प्रतिवर्ष लगभग 60,000 टन चना खरीदती है। ये इस चने की खरीदी वो व्यापारियों से करती है, तो आज 4400 रुपये समर्थन मूल्य हर किसान को 3000 रुपये बाजार में मिल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमने सरकार से मांग की कि आप व्यापारियों की बजाय समर्थन मूल्य पर किसानों से चना खरीदें। इसी मांग को लेकर के 18 दिनों से हम आमरण अनशन पे थे। उसके साथ ही चना सत्याग्रह का आज तीसरा महीना चालू हो गया है। हम समर्थन मूल्य पर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी चना खरीदी की मांग और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में वितरण हेतु छत्तीसगढ़ के किसानों से चना खरीदी, इन दो मांगों को लेकर के 2 महीने से भी ज़्यादा समय से चना सत्याग्रह यहाँ चला रहे हैं। आपने बोला, एक भाषण के दौरान सुना आज, की आप बोल रहे हैं कुछ छुपे हुए सरकार के एजेंट है जो चना बेच रहे हैं, उसका क्या अर्थ था? जी, यहाँ पर जो 85 ब्लॉकों में चना वितरित करती है सरकार सन 2012 से, उनकी खरीदी व्यापारियों से होती है। आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि प्रदेश और पूरे देश में दाल माफिया सक्रिय है, जो सरकारों से साठ गांठ करके किसानों को लूटने की योजना बनाते हैं और छत्तीसगढ़ में वो पूरी तरीके से सफल हुए हैं। इसका ये ताज़ा उदाहरण है कि 4400 समर्थन मूल्य है और यहाँ पर जो चने की सप्लाई कर रहे हैं उनकी मिलों में, उनके गोदामों में किसानों का माल 3000 रुपये की दर से जा रहा है। अगर यहाँ की राज्य सरकार 4400 के रेट में किसानों से खरीदी कर लेगी तो इन दाल माफियाओं के मिल और गोदाम में 3000 का चना कहाँ से जाएगा? मेरा कहना है कि आपने चना के अलावा धान का भी मुद्दा उठाया, धान में क्या मुख्य मांगे आपकी? जी, धान में सबसे प्रमुख हमारी मांग तो है उत्पादन लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य, और राज्य सरकार से हमारी ये मांग है कि आप सरकार बनाते समय 300 रुपये बोनस 5 साल देने का जो वादा किए थे, अभी भी 2 साल का हमारा बोनस बकाया है, तो वो हमारी धान के विषय में प्रमुख मांग है राज्य सरकार। आपने बोला कि यहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्रों में हैं लेकिन शहरों के वार्डों में हम जगाने जाएंगे जनता को, ये क्या था, इसका अर्थ? देखिए, चना सत्याग्रह को आज तीसरा महीना लग गया है और इस दौरान 15 दिनों का अनिश्चितकालीन धरना और मेरे स्वयं का 18 दिनों का आमरण अनशन आज संपन्न हुआ है, लेकिन आज तक सरकार ने मांगे मानना तो दूर, संवाद के लिए भी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा और तो और हमारे आंदोलन के मांग पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है और हम एक एक वार्ड में राजनांदगांव विधान पूरे छत्तीसगढ़ के साथ राजनांदगांव विधानसभा के एक एक वार्ड में जाएंगे और बताएंगे कि क्या आपको ऐसा असंवेदनशील मुख्यमंत्री चाहिए जो 2 महीने के आंदोलन, 18 दिन के आमरण अनशन के बाद मांग मानना तो दूर, संवाद की प्रक्रिया भी आरंभ नहीं करवाते और नहीं उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते, तो क्या आपको ऐसा क्या असंवेदनशील मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा असंवेदनशील क्या बोलते हैं विधायक चाहिए? ये हम वार्ड रूम में जाके एक एक मतदाता से पूछेंगे। 10 तारीख को एक आंदोलन की बात की है, क्या वो आंदोलन आगे की राजनीति को तय करेगा? बिल्कुल, आगे की राजनीति को तय करेगा, किसान मजदूर के हक के संघर्ष को भी बेहतर तरीके से तय करेगा, क्योंकि प्रदेश भर में जितने किसान संघर्ष हैं उन सारों को हम एकजुट करके एक मंच के माध्यम से किसान मजदूर के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने की रणनीति पे, सभी विकल्पों पे हम विचार करने के लिए बैठक कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में